हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। अभी मैं कॉलेज गई हुई थी यहाँ, और जो कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं घर आ गया, थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। और मैं साथ में अपने साथ लौकी लेते आई हूँ, जिसका आप लोगों को रेसिपी दिख जाएगा। कोफ्ता बनाऊंगी आज। भाई कब से सोच रही थी, बता मेरे को, यहाँ पढ़ने के अलावा मैं सब कुछ सोचती हूँ, खाने का पीने का सब कुछ सोचती हूँ, बस पढ़ने का नहीं सोचती। तो थक गई हूँ मैं, तो थक भी जाती हूँ भाई, पता नहीं कुछ करती नहीं फिर भी थक जाती हूँ। और अभी थोड़ा धूप कर रहा है क्योंकि बारिश हो रहा था 2 दिन से कंटिन्यू वाली बारिश। तो मैं कपड़ा बाहर सुखा दी हूँ, ये कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख लो आप लोग, धूप हुआ है भाई बहुत दिनों बाद, जो कि धूप जैसा दिख ही नहीं रहा, बस ये धूप ही दिख रहा है, पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। और मैं थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर रही हूँ, उसका फिर घर थोड़ा सेट करूँगी, फिर पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि थक गई हूँ तो थोड़ा रेस्ट मेरे को नीड है। हाय मैं क्या करूँगी यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आता इस जन्म में मेरा कुछ हो पाएगा। थकान इतना, इतनी आलसी हूँ मैं, इतनी आलसी कुछ करती नहीं हूँ फिर भी इतनी आलसी हूँ। खाना बनाई थी आज, आज था क्या भिंडी, और किचन की हालत देखो, ये भी गंदा है, कुकर पूरा गंदा है। मैं अपनी बहन के यहाँ से 2 कुकर लेके आई, मतलब एक कुकर मेरा ही था तो वो लेके आई एक कुकर, ताकि मेरा दाल वाल बन जाए। अब तो लग रहा दाल भी नहीं बना पाऊंगी, मतलब इतना आलस भर गया ना कि बस खाना बनाओ खा जाओ ऐसा वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज कोफ्ता बनाओ, और रेसिपी आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करूँगी क्योंकि हमेशा करती हूँ। तब तक थोड़ा देर मैं आराम कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम करूँगी। भाई इतना देर सोने के बाद फाइनली मैं उठ गई हूँ, अब बनाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। पता नहीं आजकल मेरे को क्या हो गया, बट ठीक है फिर भी बनाती हूँ। अभी मैं लौकी वगैरह छिलूंगी और फिर बाकी जो भी है वो सब करूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन है नहीं क्या मतलब, भाई अपने खाने के लिए तो बनाना ही है। तो ये रहा वो लौकी, काफ़ी छोटा है इसलिए ठीक है। कोफ्ता 1-2 लोगों के लिए बनाना है, बहुत ज़्यादा तो बनाना है नहीं, और बर्तन पूरे गंदे हैं। मैं इसके साथ साथ घर वगैरह भी क्लीन करती हूँ, और सब कुछ टेंशन हटा के फिर पढ़ने बैठूँगी। और ये इतने सारे बर्तन हैं, 2-2 कुकर हो गया ना, इसकी वजह से और ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो जल्दी से ये छिलते हैं, और इसको ये मैं पड़ोसी से लेके आई हूँ, पड़ोस की दीदी से। ये ना मैं पड़ोसी की दीदी की, मतलब पड़ोसी के यहाँ से लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर पर था नहीं, तो फिर मैं कैसे करती, और फिर मैं इसलिए ले आई हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ भाई, समझ ही नहीं आ रहा, जो भी है लोग, मैं आज थोड़ा सा क्या ही बोलूँ पता नहीं मुझे। तो इससे छिलते हैं अभी, मतलब छिलते नहीं किसते हैं, कीसते हैं, मतलब उसको छोड़। मैं ये पीस ली, मतलब पीसी नहीं, इसे घिस ली हूँ, कद्दूकस कर ली हूँ। अब इसमें बेसन और क्या क्या है जो भी है वो डालूंगी, तो मैं लेके आती हूँ। पूरा इधर इलाका गड़बड़ कर दी हूँ भाई, गंदा, पर ठीक है कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं तो ऑफकोर्स गंदा तो होगा ही। हाँ बेसन रखा हुआ है ना बहुत, मतलब मैं ना यहाँ नहीं, मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब बिलासपुर आने के बाद खाने में काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। वहाँ नहीं करती थी, वहाँ बस पुलाव पुलाव बिरयानी यही सब बनाती रहती, बिरयानी तो नहीं बनाया मैंने आज तक कभी, पुलाव ही बनाई हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बिरयानी ही हो जाता है। तो जल्दी से मैं मसाला वगैरह करती हूँ जुगाड़। तो मसाला हो गया, और इसमें ना हल्का सा मैं वो डालूंगी सोडा, बेकिंग सोडा, क्योंकि ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। हल्दी भी डालना है, हल्दी नमक मिर्ची पाउडर मसाले कुछ, और फिर सेट करते हैं। ये ला के रखती मैं, पहले इसमें डालूंगी मैं क्या, नमक। तो इतना सा नमक डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नमक ज़्यादा जगह तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी इसमें तो नमक जाना ही है। नमक, कुछ हल्दियाँ, इतनी सी हल्दी, इसमें सोडा पहले से डाल देती हूँ मैं, एकदम ही थोड़ा सा सोडा डालना है, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएगा। तो बहुत ही थोड़ा सा सोडा, नमक ढक्कन में थोड़ा अच्छा, थोड़ा मिर्ची पाउडर, बेसन ज्यादा नहीं डालू, हमेशा बेसन मैंने ज्यादा डाल दूंगी, इस बार डालूंगी। और थोड़े से चिकन डाल, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब इसको मिक्स करती हूँ मैं अच्छे से, देखो बहुत ही आसानी से बिना पानी के हो जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है, तो पानी वानी की तो जरूरत है नहीं।
तो ये हो जा रहा है बहुत ही आसानी से। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा बेसन और लगेगा, तो थोड़ा सा बेसन और डालते हैं। घर को पूरी तरह से साफ कर लिया उसके बाद अब बनाना शुरू करूंगी। किचन कुछ इस तरह दिख रहा है, पहले तो आप लोगों ने देखा ही था और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि बैटर थोड़ा सा वो हो गया गीला, मैं इसका क्या ही करूं, देखती हूं जैसा भी होगा। शायद मेरे को ना मतलब पानी निचोड़ के फिर उसमें बेसन वगैरह डालना था, बट ऐसा मैं नहीं की क्योंकि बहुत दिन बाद बनाई हूँ ना इसलिए भूल गई हूँ शायद, मेरे को ऐसा लगता है। और मैं देखना भी उचित नहीं समझी, पता नहीं कहीं से आइडिया ले लेती तो शायद अच्छा था। हाँ मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैंने गड़बड़ तो कर दी, अब उसी को अच्छा कर ही उसी को बस अच्छा करने का मेरे पास है जो भी है। तो पहले मैं देखती हूँ कि वो बन पा रहा है कि नहीं, भजिया टाइप, और बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसन लगेंगे और इतने सारा बेसन डालूंगा तो बेसन बेसन लगेगा एक बार, मतलब हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि भाई मैं बेसन बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ, तो इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सोची हूँ और रूम इधर का भी काफ़ी अच्छा हो गया है, ने पूरा सेट कर दिया है और ये अपनी स्टडी के लिए मैंने अभी सेट किया है। हाँ तो जल्दी से मैं बनाती हूँ भजिया इसका। और मेरे कपड़े भी मेरे पड़े हुए हैं टब में, कपड़े का तो डेली का है, मेरे को समझ नहीं आता इतना कपड़ा होता कैसे है, ट्राई करती हूँ ये होता है कि नहीं। मैं कढ़ाई में तेल डाल चुकी हूँ और थोड़ा कम तेल डाली, और ये वो बैटर है भाई, ये तो अलग ही लेवल का परेशानी बन गया क्योंकि तेल कम है। मैं तो नहीं हूँ, पता नहीं गड़बड़ कैसे बना दी, ये सोच रही हूँ अब मैं अपनी गलती कोई होता तो मैं उसके ऊपर थोप देती, अकेली हूँ तो मैं किसी के ऊपर थोप भी नहीं सकती कि किसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, सारी गलती मेरी है। तो अब देखती हूँ कैसे होता है, तो हो जाए ये पहले। और इसमें ना मैं वो डाली हुई, क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग सोडा, तो उसकी वजह से ना ये और ही फूल जाएगा, पता नहीं ये कैसे होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ट्राई करके देखें क्या, थोड़ा तो गर्म हो गया है ये भी, ये कैसे फैल जा रहा है भाई साहब, अच्छा बन जाए बस, इज्जत बचा लो मेरी। ओहो अरे यार, ओहो तो पानी की वजह से ना ये पूरा मेरे हाथ पे लग गया, ये देख रहे हो मेरी हरकतें उठपटान है, तो ये तो होना है ही तय, देखो पानी पोंछ लेना चाहिए तो उसके बाद ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं मुझे तो शौक है ये सब हरकत करने का, भुगत रही हूँ, भुगतना ही पड़ेगा। पता नहीं ये किसका क्या होगा क्योंकि ये ना चिपटा हो गया, चिपटा मतलब कोफ्ता तो ऐसे गोल होते हैं ना, तो ये गोल तो है नहीं, ये तो पचक गया, मैं क्या करूँ, जैसा भी है यार कोफ्ते जैसा लगना चाहिए क्योंकि हरकत तो मेरी गलत है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसको सुधार भी नहीं सकती क्योंकि अगर मैं बेसन डालूंगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देख रहे हो पूरा पानी पानी है, पूरा पानी पानी है, मैं इसको कितना ही बेसन डालूंगी बताओ ज़रा, देखो इसी का ही कुछ ना कुछ करते हैं। रेसिपी बताने के लिए कॉल मतलब वीडियो बना रही हूँ और वही गड़बड़ बना रही हूँ, मैं क्या बोलूँ किसी को क्या सिखाऊंगी, बस टेस्ट अच्छा था आना चाहिए, लुक तो अच्छा आएगा, उसका जो शेप है वही गड़बड़ है, अदरवाइज लुक तो आएगा अच्छा, मेरे को पता है। तो फटाक से इसको फ्राई करते हैं, अब भूख भी लग रही है मुझे, खाना तो है घर पे बट मेरा मन नहीं है, मेरे को यही खाने का मन है क्योंकि अब मेहनत से बना रही हूँ तो ऑफकोर्स यही खाऊंगी। इसका कलर तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, वो भले गोल नहीं हुआ बट बहुत ही प्यारा लग रहा है ऐसे तो। काफ़ी धीमी आंच में मैं पका रही हूँ क्योंकि भाई जो अगर मैं तेज आंच कर दूँगा तो जल के पपड़ी हो जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैं फेंक चुकी हूँ, उसको टाइम लगाती हूँ और वीडियो एडिट करती हूँ अपना मिनी व्लॉग। मेरा मिनी व्लॉग देखना भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ, प्रमोट तो कर ही रही, तो आप लोग मेरा मिनी व्लॉग देखना कि उसमें डेली का अपडेट रहता है ना, मैं लॉन्ग वीडियो थोड़े एक दो दिन के गैप में डालती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को, बट शॉर्ट वीडियो में डेली डालती हूँ, तो आप लोग देखना जरूर उसको। मसाले रेडी कर लिए, ये वो पिसा हुआ मसाला है जो मैंने पिसा भी, और ये मिर्ची, ये जो मतलब टमाटर है, कढ़ाई में तेल डाल दी, और ये वही पकौड़े जो बन के बहुत ही रेडी हो गए, थोड़ा मीठा लग रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये डुबा के रखी, क्या नाम है इसका, इमली, तो इमली डालूंगी क्योंकि मीठा ऐसा उसका ये इसका फ्लेवर आ रहा है पकौड़े का, मैंने ट्राई किया थोड़ा मीठा स्मेल है इसका, स्मेल नहीं मतलब फ्लेवर मीठा हो गया शायद, तो पीने का पानी भी भर लूँगी मैं अभी के लिए बंद कर लेती हूँ। और तेल गरम हो चुका है तो इसमें मैं डालूँगी जीरा और मिर्चा और ये पिसा हुआ
पिसा हुआ मसाला, मतलब मसाला नहीं प्याज, क्योंकि मैं छौंकने के लिए वो अलग से प्याज नहीं काटी, उसको मैं ग्राइंड ही कर दी तो उसको डालूंगी। सबसे पहले मैं डालती हूँ जीरा है ही, तो ये रहा वो जीरा गया, अब मिर्ची डाल दूंगी। मिर्ची भी गया, पानी खरीद लिया, थोड़ा सा इधर उधर फटक रहा है। मैं डालूंगी ये प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था, मिर्चा, मतलब ये तो हो ही गया, अब इसको ये डालना है, थोड़ा सा और लगेगा टाइम। फिर ये डालूंगी, तो फिर टमाटर डालूंगी, फिर ये हो जाएगा हल्का सा रेडी। हल्का सा नहीं, मतलब पकाना बस बाकी रह जाएगा, क्योंकि सारे प्रोसेस हो जाएंगे। तो मैं टमाटर धोती हूँ और इसको पीसती हूँ ताकि जल्दी से प्यूरी बन जाए, क्योंकि ऐसे काट के डालने में ना थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, इससे अच्छा मैं प्यूरी ही बना लेती हूँ। डाल दी और बस 5 मिनट में ये डालूंगी ताकि दोनों पक जाए, नहीं तो अलग से हो जाएगा, ये नहीं पकेगा और वो पक जाएगा, तो फिर ज़्यादा पकने से ना मतलब अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो पहले तो मैं इसको पकाती हूँ 5 मिनट, उसके बाद फिर डालूंगी मैं मसाले। हल्दी भी डाल दूंगी, पहले ही डाल दूंगी। मसाले में डालूंगी हल्का सा हल्दी, हल्का सा नहीं ज़्यादा हल्दी डालूंगी ये, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डालूंगी, हल्दी इनफ है शायद, ज़्यादा नहीं डालती हूँ तो काफ़ी तीखा लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। डालते हैं हम लोग इस प्याज वाले प्यूरी पे, जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें डालती हूँ। बेटा इस पहला अच्छा आ रहा है भाई, मसाला पूरी तरह से भुना चुका है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। भाई अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ तो गड़बड़ की है। और ये रहा इमली का पानी, इसको छान के भी डालूंगी। उसके पता नहीं क्यों आज ना मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि मेरी जो सब्जी है ना बिल्कुल ही बेकार लगने वाली है, मैं क्या करूँ यार, आज तो मैं गई पोपट जाएगा, मैं क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा है, इतना बेकार लग रहा है, देखने में ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, स्मेल तो आ ही नहीं रहा है। कैसे बनाई हूँ मुझे खुद को नहीं पता, पता नहीं ऐसे कैसे बना, देख रहे कैसे दिख रहे, अजीब सा, मैं क्या करूँ गॉड, जिसे होता ही नहीं, मसाले वाली सब्जी आजकल बन नहीं रही है मेरे से भाई, पहले तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता था, अब क्यों नहीं बन रहा, मुझे समझ नहीं आता। सब्जी कुछ इस तरह बन के रेडी है, जो कि मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इसका रिव्यू देखूंगी। मुझे पता है खैर कि बहुत ही बेकार सब्जी बना है, और मुझे डर लग रहा है यार कि इतना बेकार सब्जी कैसे बन सकता है, मतलब डर इस बात का नहीं कि मुझे डांट पड़ेगा, डर इसका कि भाई इतना गंदा खाना कोई कैसे खाएगा। भाई साहब मेरे को आज के बाद ना एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, मैं करूँगी ना तो पूरा किसकी हेल्प लेके करूँगी, क्योंकि मैं करती हूँ ना जब भी एक्सपेरिमेंट तो हमेशा गड़बड़ ही हो जाता है, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो आज ही हुई है भाई, पूरा लग रहा है मुझे। तो प्यार से मैं सोची थी कि मैं आज बनाऊँगी कोफ्ता, लेकिन कोफ्ता क्या पता नहीं क्या ही बन गया, तो मसाले मैंने अच्छे नहीं डाले, भुने नहीं, क्या हुआ मेरे को पता ही नहीं, बस बेकार है इतना पता है। तो थोड़े सब्जी बचे हुए तो उसमें काम चलाना पड़ेगा, देखते हैं, पूरा सब कुछ वेस्ट हो गया। अभी मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रहा है अपने आप के लिए, कि मैं अपने आप को बोलना चाहती हूँ कि बहन तू एक्सपेरिमेंट करती है क्यों है भाई, जब तुझे आता ही नहीं है भाई, इतना मूड खराब वाला खाना क्यों बनाती है, मेरे को ऐसा लग रहा है इतना बोरिंग, इतना बकवास, स्मेल ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, इतने मसाले डाले मैंने, ये किया वो किया, बट शायद मैं ना इंटरेस्ट लेके नहीं बना रही इसलिए, और पहले ही टेस्ट कर लिया था मैंने वो पकौड़ा, तो काफ़ी ऑयली था ना, तो उसका जो टेस्ट है मुँह में आ गया था, फिर पूरा ऑयली ऑयली ही लग रहा था, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अभी तक टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करने के बाद बताऊंगी, लेकिन मुझे पता है रिजल्ट, तो मुझे पता है मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही कि मैंने जो खाना बनाया इतना बकवास खाना शायद ही कभी किसी ने बनाया होगा, इतना मूड ख़राब होने वाला खाना बनाया। तो मुझे मिल गया है रिव्यू सब्जी का, अच्छा बना, उतना बेकार नहीं बना, बट फिर भी हम लोग पुलाव बना रहे हैं, अंडा पुलाव, तो अंडा अभी हम लोग बॉईल कर रहे हैं कुकर में और पुलाव बनाएंगे। टेस्टी था, मतलब बहुत टेस्टी तो नहीं लेकिन टेस्टी था, मुझे जैसा लगा था कि एकदम ही बकवास वाहियात हो गया था, ठीक ठाक ही अच्छा दिख रहा है, मसालेदार। और इधर ये अंडा उबल रहा है पुलाव बनने के, शुरू हो गया है, ये चॉप हो गया है प्याज ऐसे स्लाइस में, और ये मिर्ची, 3 टमाटर और बाकी के आलू, क्योंकि पुलाव में जो सबसे
बेस्ट चीज जो होता है ना होता है आलू, तो आलू तो डल चुका है, बड़े बड़े काट के डालना है और चावल डालना है, तो यमी यमी खाने मिलेगा। हो चुका है और चार एक बन रहे हैं। मसाला हो गया है रेडी हमारा पुलाव वाला, और चावल इधर भिगो के रखे हुए हैं क्योंकि आज हम लोग चावल भिगो के बना रहे हैं। और ये रहा हमारा अंडा, और मैं ये रही स्टैंड लेके घूम रही हूँ पागल की तरह। वैसे पागल तो मैं हूँ नहीं। चावल, पहले चावल ये इसमें मसाले के साथ इसको थोड़ा सा वो करेंगे, पकाएंगे, उसके बाद फिर डालेंगे खड़ा मसाला, मिर्चा बोलती हूँ सॉरी, ये मसाले चावल। अभी इसको चढ़ाती हूँ के डल रहा है, डाल रहे हैं ये, उसके पास फिर डलेगा ये अंडा, चार चार अंडे। हमारा एक पुलाव रेडी है और इसका गैस निकल चुका है कुकर से, तो इसको खोलते हैं देखते हैं कैसा है। वैसे स्मेल ना बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब अगल बगल घर पे, इसको खोल के देखते हैं क्या है इसका फ्लेवर। हाय कितना यम्मी दिख रहा है भाई, देख रहे हो स्मेल भी बहुत अच्छा है। आज का खाना तो एकदम लाजवाब है, जो मैं रो रही थी ना खाने के लिए उसका भरपाई हो गया। तो आज हम लोग खाएंगे पुलाव, टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी, पहले थोड़ा ठंडा होने देते हैं। एक पुलाव हो गया है रेडी और सर्व भी हो गया हमारे प्लेट में, और ये वो कोफ्ता और ये बचा हुआ भिंडी, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि कैसा है आलू के साथ, क्योंकि आलू तो इसका टेस्ट बढ़ा ही देता है भाई। मेरे को बहुत पसंद है पुलाव में आलू ना, मेरे को बहुत पसंद है। किसको किसको और पसंद है मेरे को कमेंट करके बताना। इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं पहले। अच्छा है, अब इसके साथ ट्राई करते हैं क्योंकि इसका बहुत बुरा ही चला है, तो एक ट्राई तो बनता है। थोड़ा खट्टा है बट टेस्टी है, तो मैं इसको खत्म करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग में, मतलब एक्सपेरिमेंटल रेसिपी में। क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती हूँ आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा।